इंदिरा जी कहता जी तीन ब्रदर हैं, तीन भाई हैं, उनके पास पांच शर्ट है, एट पेंट है और छह टाई है, तो बताओ जी कितने वेज हैं जिनमें से वो सबको वेयर कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल काम है। देखो जी पहले तो शर्ट की बात करते हैं। अगर जी पांच शर्ट है और पांच शर्ट को तीन भाइयों ने डालना हो तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेगी 5 3 5 P 3, मतलब कि शर्ट पांच और ब्रदर पहनने वाले तीन। अच्छा पेंट कितनी है? एट। एट पेंट को अगर तीन ब्रदर्स ने चेंज करके डालना हो तो टोटल बनेंगे 8 P 3। अच्छा टाइज कितनी है? टाई है छः। छः टाइज को अगर तीन ब्रदर आपस में अरेंज करके डालें तो बनेंगे 6 P 3 और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब 5 P 3 का मतलब होता है NPR। NPR का मतलब जी n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल। बस ये फॉर्मूला लगा देंगे। ऊपर तो आ गया जी 5 फैक्टोरियल और नीचे आ गया 5 - 3, ये आ गया 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे आ गया 8 फैक्टोरियल, 8 - 3, ये आ गया जी 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 P 3 का मतलब है 6 फैक्टोरियल और 6 - 3, ये आ गया 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल। 8 फैक्टोरियल जो है इसे अगर लिखा जाए तो इसे लिखा जाएगा 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल और इस 3 फैक्टोरियल को ये जो डाउन साइड में 3 फैक्टोरियल है इसके साथ जी कैंसिल कर देंगे। यहां से कैंसिल हो गया और 6 फैक्टोरियल जो है वो होता है 6 × 5 × 4। वैसे तो आपको इनका वैल्यूज जो है डायरेक्टली पता होना चाहिए कि 1 720 होता है और नीचे 2 फैक्टोरियल है, यहाँ पे आ गया 2 × 1, एट यहाँ से इसके साथ कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास बना जी यहाँ पे 8 × 7 = 56 और जी ये बना 20 × 6 = 120, यानी ये आ गया 120 × 56 और जी यहाँ पे बना जी 6 × 5 = 30 और ये 12 30 × 12 भी आ गया 360, राइट है। और जी इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 24192 00, ये इसका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन दिया हुआ सी, ये हमारा राइट आंसर है।